22 मई 2023, अगर आपकी मैटर की सुनवाई हो गई है और जज साहब ने एक डेट दिया है कि ये डेट पे आप आओ, मैं आपको जजमेंट दूंगा। अब वो डेट पे जजमेंट नहीं मिलता है और डेट पे डेट हो जाती है, तो 6 महीने बीत गए, तो क्या करने का। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी एक मैटर आई, उमेश राय अलियास बूरा राय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी इस मैटर में ये जो अपेलेंट थे वो 16 साल और 9 महीने से वो जुडिशियल एक्चुअल कस्टडी में थे, जेल में बंद थे, और उनकी बेल की एप्लीकेशन की ऑर्डर 4 अगस्त 2022 को दूंगा, ऐसे जज साहब ने बोला था, मगर वो 8 मई 2023 तक नहीं हुआ। और 8 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, मगर हमको इनको बेल देनी पड़ेगी, क्योंकि अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2001 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके अंदर कहा गया है कि अगर 6 महीने के अंदर सुनवाई के बाद जजमेंट नहीं मिल दिया जाता है तो वो सुनवाई किसी और बेंच के सामने फ्रेश आर्ग्यूमेंट के लिए भेज देनी चाहिए। अच्छी बात है, आप जजमेंट भी है और आप सुविधा भी देते हो, पर इसके साथ कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, लोगों की व्यथा भी जुड़ी हुई है, लोगों का समय भी जुड़ा हुआ है, तो क्या इसका रिवर्स नहीं हो सकता। नामदार कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है अपनी, वो कुछ और नहीं बोल सकती। फ्रेश आर्ग्यूमेंट में फ्रेश खर्चे होंगे, फ्रेश सर्कमस्टेंसेस होंगे, शायद कुछ अच्छा होने वाला था किसी के लिए, वो शायद चेंज हो गया, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो जितना भी न्याय डिले होता है तो उतना तकलीफ भी बढ़ती है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, क्योंकि इसके साथ लोगों की इमोशंस भी जुड़ी होती है। इधर तो बेल एप्लीकेशन है, कभी कभी लैंड है, आउटस्टैंडिंग मनी है, तो ये मतलब मेरे पैसे किसी और के पास है और वो मेरे पैसे से एंजॉय कर रहा है और मैं इधर कोर्ट में लड़ रही हूँ, उसका मतलब ये हुआ। तो हमको दूसरे बेंच के पास ना जाने के बजाय वही बेंच को क्यों ना बोला जाए कि तुम ही करो, क्योंकि कभी कभी जज साहब भी रिटायर होने वाले होते हैं, तो फिर बहुत ये नाइंसाफी नहीं लग रही क्या आपको, हम कुछ और रास्ता नहीं ढूंढ सकते।